it is mean your current path saved as shown in figure. तो इसमें ये वाला करंट आ रहा है यहाँ से, फिर ऐसी करके ऐसे जा रहा है. ओके, तो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है फाइंड करना है. मैग्नेटिक फील्ड एट पी द सेंटर ऑफ द आर्क सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. ये कितना एंगल कर रहे हैं? 30 डिग्री एंगल कर रहे हैं. ओके, एंड द रेडियस ऑफ द आर्क इज 0.6 मीटर. ओके, what is the magnetic field at P if the current is of 3 ampere? ये जो मतलब सर्कुलर लूप होती है, इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, यहाँ पे जो P होता है, B इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू नॉट I अपॉन 2. यहाँ पे क्या है बेटा? लेकिन फॉर्मूला में क्या है? सेंटर में कितने होती है? यस, आर होती है. ये वाला रेडियस. कोई सर्कुलर लूप में, सर्कुलर में सेंटर में कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर. ये थोड़ा ध्यान रखना है. ओके, अब ये पूरी जो एंगल होता है वो कितना होता है? 2 पाई, दैट मींस 360 डिग्री. ओके, 360 डिग्री ये जो 2 पाई एंगल करता है. ओके, तो 2 पाई के लिए कितना होगा? इतना मान लो मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो 2 पाई के लिए कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? पूरे के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर. 1 के लिए कितना होगा? तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इंटू 1 अपॉन 2 पाई. थीटा के लिए कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई. ओके, तो इसमें ध्यान रखिएगा जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये आर्क के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएंगे? इसके लिए फॉर्मूला होगा बी जो है ना, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर. अभी सॉल्व करो, फिर आंसर आ जाएगा. ओके, ये वाला हो जाएंगे इसका फॉर्मूला b cos to theta upon 2 pi into mu not i upon 2 r. बेटा ये वाला क्लियर हुआ? फॉर्मूला क्लियर है बेटा? अभी सॉल्व कर दो, फिर आंसर आ जाएगा. यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया है. ओके, तो इसमें चेंज करोगे तो कितना होगा? पाई बाई सिक्स. ये कितना आएगा? पाई बाई सिक्स. ओके बेटा, ये जो 30 डिग्री मतलब कितना होता है? पाई बाई सिक्स होता है. ओके, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे म्यू नॉट ये जो 2 इंटू 2 4 पाई हो जाएगा इंटू आई इंटू ये जो है पाई अपॉन सिक्स. यहाँ पे टू इसको इस तरह ले आया अपॉन आर. ठीक है, थीटा का वैल्यू पुट कर दिया 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएंगे 4 पाई आई अपॉन आर पाई अपॉन सिक्स. ओके, तो इसको वैल्यूज को करोगे 10 टू द पावर माइनस 7. आई की वैल्यूज जो है करंट कितनी है? आर की वैल्यू रेडियस ऑफ द आर्क 0.6, 3.14 अपॉन 6, यह वाला आ जाएंगे टेस्ला. ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसको अरेंज कर लेना, आई हो गया और इस जगह पे थीटा का वैल्यू कितना? पाई अपॉन 6. थीटा जो है पाई अपॉन 6, पाई के वैल्यू पुट कर देना 3.14, 6 का 6 इतना टेस्ला आएगा. ओके, कितना
आंसर आ रहा है बेटा? ऑप्शंस क्या रहे? सॉल्व करके देख कितना आ रहा है। कौन सा बी ऑप्शन आ रहा है तुम लोग का? सॉल्व करोगे तो ऑप्शंस क्या होगा? बी ऑप्शंस होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निकिता क्लियर है बेटा? निकिता पूरा एंगल होता है 360, तो ध्यान रखना 360 डिग्री के लिए कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2R। एक के लिए कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2R इनटू 1 अपॉन 360। 30 डिग्री के लिए कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2R 30 अपॉन 360। ओके, ये वाला आ जाएगा। तो अभी ये जो वाला वैल्यूज है इसको कैसे करके ध्यान रखोगे? ये वाला काट जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है? 360 के लिए इतना होता है, एक के लिए कितना होगा, 30 डिग्री के लिए कितना होगा, सीधे सीधे हिसाब कर लेना, पाई बाई के चक्कर छोड़ दे। तो म्यू नॉट आई अपॉन 24R डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, अभी देखो म्यू नॉट के वैल्यूज जो होता है, म्यू नॉट अपॉन 4π जो होता है 10^-7 होता है। तो म्यू नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? 4π × 10^-7। तो 4π × 10^-7 आई की जो वैल्यूज है, आई हो गया तुम्हारा 3। ओके, 24। आर के वैल्यूज जो है वो कितना है? That is 0.6। फिर देखो कोई आंसर ही आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये जो सेम वैल्यूज आ जाएंगे, इसे सॉल्व करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे, दैट इज बी ऑप्शन आ जाएगा। निकिता भी क्लियर? अच्छा, ओके। जो पाई बात में किसी को भी डीपी कर लगते बेटे, इस वाले को अप्लाई कर देना। पाई वाले में किसी को डिफिकल्टीज आती है तो ये वाला अप्लाई कर देना। पाई वाले में क्या था? बात तो वही था, पाई वाले में भी वही होता है, थीटा अपॉन 2π। ये जो होता है तुम्हारा म्यू नॉट आई अपॉन 2R, थीटा वहां पे बोला था 5/6, नीचे था 2π इनटू म्यू नॉट आई अपॉन 2R। तो इस जगह पे क्या होगा? जो पाई का तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा? पाई बाय 6 इनटू 2π इनटू म्यू नॉट आई अपॉन 2R। ओके, पाई का के लिखते कोई जरूरत भी नहीं, देखो यही वाला चीज आ जाएगा। ओके, नाउ सबको क्लियर हो गया।